मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीकांत ब्लॉग पर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिनों से मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ, मेरा कोई ब्लॉग आ नहीं रहा। दरअसल मेरी तबीयत बहुत दिनों से थोड़ी डाउन है, मैं कुछ कमज़ोर फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। सोचा कुछ नहीं मिल रहा है कंटेंट, तो आज अपना किचन बाड़ी ही दिखा देते हैं। छोटा सा बाड़ी है और इसी बाड़ी से हम लगभग 10 महीने तक सब्जियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो चलिए मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ अपना किचन बाड़ी। और शुरुआत करते हैं हम अपने बड़े पौधे से। यहाँ पर है हमारा केले का पौधा और इसमें से हम एक बार फल खा चुके हैं। अब ये दो और पौधे बड़े हो रहे हैं और जल्दी ही इससे भी हमें फल मिलने लगेगा। और इधर अपनी मीठी पत्ती, यह देखिए छोटा सा पौधा था, अब एक बड़ा सा पेड़ बन गया है। और यहाँ पर है हमारे छोटे छोटे पौधे जो अगले साल बारिश के दिनों में लगाने के लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ है आम और कटहल का पौधा, यह अभी नया नया लगाया गया है धनिया का पौधा। आज की बारिश में ये थोड़ा कमज़ोर सा हो गया है और इसमें भी कुछ कुछ घास उग गए हैं इस तरह के, यह देखिए। तो ये क्या घास बोलते हैं इसको, नाम नहीं पता मुझे। और ये अभी तैयार हो रहा है, बाकी हम पीछे जो धनिया है वो खा ही रहे हैं। और इधर घूमो तो आपको मिलेंगे ये लाल लाल टमाटर, काफ़ी सारे टमाटर हैं, यहाँ फल लगे हुए हैं और रोज़ हम इससे फल तोड़कर खा भी रहे हैं। ये आपकी मेथी भाजी, और मेथी भाजी पर भी आपको यह फल नज़र आएंगे। यह पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। धनिया सामने हैं पर वो भी मर रहा है, पर उसके मरते मरते हमारा नया फसल जो है तैयार हो जाएगा। और इधर आएंगे तो आपको मिलेगा वेरी टेस्टी और गर्मियों के दिनों में खूब खाए जाने वाली चेंच भाजी। और हमारी बेगम साहिबा बड़ा होने ही नहीं देती, जैसे ही दो पत्ते निकले चट। तो ये उनका है, अभी भी उधर बिजी हैं, भाजी तोड़ रहे हैं। उधर है अपना लाल भाजी, मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारी बाड़ी में। यहाँ भी टमाटर के खूब सारे पौधे हैं, पके फल तोड़े जा चुके हैं और इसमें जो हरे हरे फल हैं वो अभी काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। इधर घूमते हैं, कोई अगर एक आइडिया जो इन्होंने लगाया है तो वह है प्याज लगाने का। तो ये है अपनी प्याज की फसल और इसमें भी जो कंद हैं वो निकल आए हैं, ये देखिए। इसको मिट्टी को निकालते हैं तो ये बड़ा होता है ऐसा कहा जाता है, पर ये मेहनत नहीं करती तो क्या करें। इधर अपना बरबट्टी, पर ये केवल दो ही हैं, इस पर मत जाइएगा, इसमें कुछ होने जाना नहीं है। यह अभी नया नया तैयार हो रहा मूली भाजी है, पर इसके पत्तों पर इस तरह के छेद भी निकल आए हैं, कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ दवाई तो ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं एक बार फिर हम अपनी फेवरेट भाजी की ओर, जो मैं नहीं खाता, और वो है या हमारी भाजी। देखिए इस पर ये फल, इसका ये फल भी खाते हैं, या हिस्सा तोड़ तोड़ के ये वाला। और भाजी तो आपको पता ही है। अब मैं चलता हूँ, आपको करेला का फल दिखा देता हूँ। तो इस झाड़ियों के पीछे से हमें मिलने वाला है करेला का फल, यह देखिए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल हैं और अभी इसे टूटना भी है। यहाँ देखिए फल जो है छिपा हुआ है, और एक सब्जी तो निकल जाएगा इसमें से। चलिए तोड़ ही लें एक आध फल, या इसको भी तोड़ना है, बड़ा हो गया है, यह भी बड़ा हो गया है। और इसी तरह के और भी फल हैं,
ये इससे बड़ा होने वाला नहीं है, तो इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। और यह, और अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, नीचे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। यहाँ देखिए कितना सारा टमाटर लगा हुआ है। और अगर आप बाड़ी में थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो साल भर कुछ ना कुछ आप खाते रहेंगे। कल ही हमारे एक मित्र मिले थे शाहू सर, उनकी बाड़ी इससे भी छोटी है, पर वो थोड़ा थोड़ा समय देते हैं और इसलिए वो रोज़ की रोज़ ताज़ी हरी सब्ज़ियाँ खाते हैं। और मैं भी ऐसा कोशिश करता हूँ, खाली समय में कुछ ना कुछ करता रहूँ और करता भी रहता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर एक ही टमाटर का पौधा है बड़ा सा, पर इसकी जो तने हैं दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे फल लगे हुए थे और मैं आपको बताया कि मेरा तबीयत डाउन था, इसलिए मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया, पर लेट से ही सही एक छोटा सा ब्लॉग अपना। चलिए अब हम चलते हैं बेगम साहिबा की ओर। और देखिए यहाँ पर इतनी सारी भाजियाँ हैं, लाल भाजी, ठीक है, और ये पूरा एक कटोरी, क्या बोलते हैं, एक झौहा तोड़ के रख लीजिए, झौहा एक टोकरी, तो पूरा चट करने वाली है ये। यहाँ मिलेगा आपको अमारी भाजी, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये हैं अमारी भाजी के, और अभी तैयार हो रहे हैं, इन गर्मियों में ये हम खाएंगे, और हम नहीं, मैं नहीं, ये खाएगी जो मेरे पीछे खड़ी है। यहाँ पर है अपना कांदा भाजी, और इसको अभी अभी हमने लगाया है तो ये अभी ज़्यादा हो नहीं पाया है, पर जल्दी ही इसमें भी खूब सारे पत्ते आएंगे। और फिर कांदा भाजी की सब्ज़ी तो आप जानते ही हैं, इसमें रहते हैं पांच पत्ते, एक हथेली जैसा रहता है ये, देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसा है इसका, बहुत टेस्टी होता है। अभी इसी बाड़ी में मैंने कुछ फलदार पौधे भी लगाए हैं, जैसे आम का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये घर का ही पौधा है एकदम मीठा वाला, तो कुछ सालों में इसमें भी अच्छे फल लगेंगे। एक दूसरा आम का पौधा आपको दिखाता हूँ, और ये पौधा लगाया है मेरे बेटे ने, और हर साल इसमें पानी देने का काम वही करता है, और ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा, तो ये है अपने बेटे की मेहनत। यहाँ कुछ गिलोय भी नज़र आएंगे आपको, ये गिलोय का पौधा जो बेर के पेड़ में चढ़ रहा है, अगर आपको दवाई की ज़रूरत हो, गिलोय चाहिए, पौधा चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हैं। आई होप किचन बाड़ी पर मेरा यह छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और दिन, किसी बेहतर दिन, किसी और ब्लॉग में। और बहुत जल्द रामनवमी आने वाला है, तो मैं वो शोभा यात्रा भी कवर करने जाऊँगा कोरबा, उससे पहले वही बात, सब्सक्राइब ज़रूर करें।